आई स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो कि हमारा नंबर है इन बोहर अटोमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, इलेक्ट्रॉन इज इन अराउंडलियस मीटर पर सेकेंड ठीक है हमारे पास एक बोहर अटोमिक मॉडल का एक केस उन्होंने बताया है जिसमें बताया कि जो इतना डिस्टेंस पे इतनी स्पीड से हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है आपने क्या करना है इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है दैट अ प्रोटॉन प्रोटॉन एग्जिट एट दिस डिस्टेंस वो जो जो हमारे पास न्यूक्लियस से जो है उसके ऊपर पोटेंशियल लगा रहा है वो टोटल एनर्जी ऑफ द एटम इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट टोटल एनर्जी टोटल एनर्जी में दोनों आए थे काइनेटिक भी और पोटेंशियल भी और तीसरी चीज आपने इसमें आयनाइजेशन एनर्जी फाइंड आउट करनी है आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है कि हमारे पास जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है इलेक्ट्रॉन uh, को उस ऑर्बिट से uh, बाहर निकालने की यानी कि इलेक्ट्रॉन के लिए वो वाला एटम एट इन्फिनिटी पॉइंट पर हो जाए ठीक है तो ये काफी एक बड़ा सा है इसको हम स्टेप सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम देखते हैं इसमें हमारे पास क्या क्या गिवन है हमारे पास इसमें जो सबसे पहली चीज गिवन है वो है डिस्टेंस जो कि मेरे पास आर है वो है फाइव पॉइंट पावर माइनस इलेवन मीटर इसके अलावा इसमें हमारे पास स्पीड गिवन है दैट इज टू पॉइंट वन एट इंटू टेन टू एस पावर सिक्स मीटर पर सेकेंड और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज और उसका मैथ हमें ऑलरेडी पता है तो हम इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करते हैं यानी कि जो कैपिटल वी है उसका फॉर्मूला है के क्यू ओवर आर ठीक है जी हम इसकी इसको इसमें पुट इन करते हैं केन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर माइनस नाइनटीन ठीक है जी हमारे पास है 10 19. और आर यानी कि जो डिस्टेंस है वो हमारे पास इज फाइव पॉइंट इंटू टेन टू पावर माइनस इलेवन और जब मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास इसकी वैल्यूज आती हैं टू को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ uh, तो हमने देखा कि हमने कैसे इसमें जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट कर लिया ठीक है जी अब इसमें जो सेकंड चीज है वो है टोटल एनर्जी अब टोटल एनर्जी मैंने आपको जब हम अपना ये क्वेश्चन पढ़े थे तभी मैंने आपको बताया था जो टोटल एनर्जी होती है वो इक्वल होती है कैनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के ठीक है जी कनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी अब क्या है जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है उसका फार्मूला हमारे पास था माइनस क्यू वी जबकि कनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारे पास हाफ ऑफ एम वी स्केयर प्लस ये आ जाएगा माइनस क्यू इन टू वी यानी कि वो जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लिखते होते थे उसकी वैल्यूज को ठीक है जी आयन की वैल्यूज को पुट इन करते हैं मेरे पास जो है है वो इक्वल एंड पावर और इसमें हम वी v, v की वैल्यू हमारे पास गिवन है वी की वैल्यू भी पुट कर लेते हैं स्केयर भी है और क्यू और वी की वैल्यू भी हम इसमें पुट कर लेते हैं क्यू हमारे पास गिवन था माइनस वन पॉइंट सिक्स टू पावर माइनस नाइनटीन और v v की वैल्यू हमने निकाली थी दैट इज 27.22 ठीक है जी हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 27.22 और जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं हमारे पास क्या आता है हमारे पास जब मैं पहले काइनेटिक एनर्जी को सॉल्व करता हूं काइनेटिक एनर्जी को जब मैंने इनमें मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक है हमारे पास ये आया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जब मैं इनको देखूं तो ये मेरे पास ये वन पॉइंट सिक्स माइनस नाइनटीन है तो ये है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ये मेरे पास ट्वेंटी सेवन पॉइंट टू टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा तो मैं इसके साथ माइनस लिख दूंगा माइनस ट्वेंटी सेवन पॉइंट टू टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जब मैं इनको आपस में माइनस करूँ तो हमारे पास ये माइनस आ जाएगा क्योंकि थर्टीन पॉइंट सिक्स का डबल जो है वो ट्वेंटी सेवन पॉइंट टू टू होता है तो हमारे पास येगा माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये मेरे पास इसकी टोटल एनर्जी हमने फाइंड आउट कर ली तो हमने दो चीजें इसमें फाइंड आउट कर ली एक था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और दूसरा था हमारे पास टोटल एनर्जी और तीसरी चीज़ है इसमें हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी मैंने आपको बताया कि ये वो एनर्जी है जो हमारे पास ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन को निकालने की एनर्जी है और इसको हम लोग ई आई से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे और इसको हम लिखेंगे ई आई इज इक्वल टू ई इन्फिनिटी यानी कि जब हम उसको ऑर्बिट से निकाल देंगे तो वो इन्फिनिटी वाली एनर्जी पे पहुंच जाएगा और माइनस जो हमारे पास ग्राउंड के ऊपर एनर्जी होगी ठीक है टोटल एनर्जी होगी तो ए इन्फिनिटी माइनस ई ग्राउंड या फिर हम इसको ई e ग्राउंड को भी हम ये भी कह सकते हैं कि जो एनर्जी ऑफ दी हमारे पास टोटल एनर्जी थी उस पॉइंट पे ठीक है उस ऑर्बिट के ऊपर टोटल एनर्जी थी कैनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी की आपको ये चीज पता है कि इन्फिनिटी पे हमारे पास उसके ऊपर जो एनर्जी होगी वो इक्वल टू जीरो होगी तो हम इसको जीरो माइनस करेंगे और माइनस के अंदर जो हमारे पास ई e ग्राउंड की एनर्जी निकली थी वो माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स निकली थी ठीक है